केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद पटेल आज दमोह पहुंचे। विभिन्न कार्यक्रम में उनके द्वारा हिस्सा लिया गया। सर्वप्रथम कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली। इस बैठक में जहां जिले के विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष मौजूद रहे, तो वहीं दमोह कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर गिरीश मिश्रा भी मौजूद रहे। उपस्थित लोगों ने अपनी बात रखते हुए समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा जहां जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा की, कुछ नाराजगी व्यक्त की, तो वहीं अटल आश्रय योजना के अंतर्गत जो मकान बनाए जा रहे हैं, पिछले एक साल से ये मकान बनकर तैयार हैं, लेकिन आज तक इन्हें हैंडओवर नहीं किया जा रहा है। कुछ क्वालिटी में भी गड़बड़ी है, उसको लेकर जानकारी चाही गई, साथ ही नाराजगी जाहिर की। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि कई बार हम अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो स्मूथ तरीके से चीज़ें होना और इसमें जो सुझाव देना है, वो मुझे मेरा एक और आग्रह है, जब ऐसे मामले आए तो व्यक्तिगत तौर पर मिलकर कहना चाहिए। बैठक में, हाँ बैठक में नाम ना लें तो ज़्यादा अच्छा, ये मर्यादा जनप्रतिनिधियों को रखनी चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी गंभीर शिकायतें हों, पर हमारी कोशिश होगी कि बैठकों में नाम ना लें, अधिकारी का नाम ना लें, पद के नाते बोलिए, व्यक्तिगत तौर पर बोलिए कोई शिकायत मैंने आपको की थी, ये वो कारण है उसका उसका समाधान किया। दोनों को अलग अलग रखिए और दोनों के बारे में रिपोर्टिंग ठीक करनी चाहिए कि एक तो वर्षा कारण है, दूसरा स्टाफ डैम में गेट ही नहीं है तो वर्षा क्या करेगी, हम तो सूखे तो जिले हैं, गेट तो सब में है, भराव कम हुआ, गेट तो सब में है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो क्या उससे लोगों ने फिर पानी दिया होगा किसानों ने? हां लिया है, अपन ने जो लक्ष्य जो था अपना वो अपन ने पूरा ऐसे किया है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा राष्ट्रीय आजीविका मिशन एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में काफी अतिथिगण मौजूद थे, जिसमें जिला पंचायत के अध्यक्ष शिवचरण पटेल, विधायक द्वय जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, हटा विधायक पीएल तंतवाय, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष श्रीमती मालती असाठी, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम लोधी के अलावा दमोह कलेक्टर तनु राठी, पुलिस अधीक्षक दमोह हेमंत चौहान के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर वन भूमि पर काबिज लोगों को वन भूमि के पट्टे भी वितरित किए गए, जनजाति समाज के लोगों को भी पट्टे दिए गए। दरबारी सिंह गौड़, श्री टीका राम, बिहारी गौड़ बुलाए, बिहारी जी बुलाए, गौड़ का अगले नंबर पंचम सिंह जी राठी ने अपनी बात बालक से सभी के लिए शुभकामनाएं। के पट्टे काफी लंबे समय से जो हमारे वनवासी और अन्य लोग वनाधिकार की वन भूमि पर खेती कर रहे हैं, परंतु उनके पास स्वामित्व संबंधी दस्तावेज नहीं थे, उनको एक अभियान चला करके उन पट्टों की स्वीकृति का कार्यवाही की गई है। और आज ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे दमोह विकास खंड के ही 143 हमारे भाई बहनों को आज ये वनाधिकार पट्टे वितरित होंगे, और निश्चित रूप से ये एक उनके लिए एक नई उमंग और नई आशा लेकर के आएंगे, क्योंकि उनके पास भूमि का स्वामित्व संबंधी दस्तावेज होगा। इसी के साथ ही मैं अवगत कराना चाहूँगा कि इन सभी जितने भी वनाधिकार पट्टाधारी हमारे भाई बहन हैं, जिनको आज हम वनाधिकार पट्टा वितरित करेंगे, उनको पीएम और सीएम किसान, जो केंद्र और राज्य सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएँ हैं, जिसमें केंद्र सरकार 6,000 रुपये तीन किश्तों में, 2,000 की तीन किश्तों में, और राज्य सरकार 2,000 रुपये, 4,000 रुपये, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 10,000 रुपये जो राज्य सरकार